कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गण भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली साकेट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें क्या याद दिलाते हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति चाहे गरीब करो चाहे अमीर करो, पर मर्यादा में और परम संत से उपदेश लेकर दोनों ही भक्ति करके पार हो सकते हैं। फिर क्या बताते हैं, राम रटत कन्या बली और साकेट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध नमूत। यदि परमात्मा की सत भक्ति बेटी कर रही है तो वो अपना भाग्य सुधार रही है, और साकेट बला नपूत, साकेट उसे कहते हैं, एक तो होता नास्तिक, नास्तिक तो वो होता जो स्वयं भक्ति नहीं करता पर दूसरे में बाधा नहीं करता, और दोनों काम करता है वो साकेट, भक्ति भी नहीं करे और दूसरे ने करण नहीं देवे, उसको साकेट कहते हैं। जैसे माता पिता वृद्ध हो गए, उनका इच्छा करती है भक्ति करूं सत्संग में जाऊं, और बेटा बड़ा हो गया है और वो बाधा करता है, ना भक्ति करता है ना उनको आने देता है, या अपनी पत्नी को बच्चों को रोकता है, तो वो साकेट कहलाता है और स्वयं भी भक्ति नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं वो बेटी जो भक्ति करती है भगवान की, उसके क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन सफर में कर्म रूपी कांटे, पाप कर्म रूपी कांटे हैं सबके में, किसी को बाद में आ जाओगे किसी के पहले चुभ गए। तो कहते हैं उस जीवन रूपी सफर में जो बेटी के कर्म दंड रूपी कांटे हैं उनको परमात्मा साफ कर देगा, बेटी पर कष्ट नहीं आओगा, और बेटी पर कष्ट नहीं आओगा और माता पिता भी भक्ति कर रहे हैं तो उनकी भक्ति में वह बाधक बने नहींगी। यदि बेटी को साथ का ब्याह कर दिया और वहाँ जाते हैं पता लग गया कि पति शराबी है, रोज कुटे है, गली में खड़ा कर देता है, या कोई और समस्या, कोई बेटा मर गया, कदे बेटी मर गई, कदे और समस्या आएगी, तो ये उस बेटी के जीने जो सांके हो गए वो माता पिता को भी चुभ्या करें, उसकी भक्ति में वह बाधा बनती। कौन? जो नाम नहीं ले रखा, जो भक्ति सत्य नहीं करती। और जो बेटी सत भक्ति कर रही है परम संत से लेकर मर्यादा में रहती हुई, फिर वो उसके जीवन सफर में कोई बाधा नहीं बने, कोई दुख नहीं आवे, तो माता पिता के लिए वो बोझ नहीं बनी। एक वो साकेट बेटा है जो भक्ति करता नहीं और माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनके उनको बाधा करता है और फिर भी कोई खींचा तानी करके कर भी रहे हैं, तो उस बेटे के निकम्मे का कभी कुछ दुख होगा, कभी कुछ होगा, कोई कुछ उसको कर्मदंड आएगा, तो वो माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक दुखी होते रहेंगे, उनकी भी भक्ति में बाधक बनेगा, उनके गले में वो बोझ बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली साकेट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में, छेरी के गल में गल थना, बकरी के गले में एक थन जैसा खालड़ा सा लटकया करे गले में, और वो ना तो उसमें दूध, परमात्मा कहते ना दूध ना मूत, यानी वो किससे काम नहीं,
वो व्यर्थ का वजन है उस बकरी के गले में, तो वो साकेत पुत्र माता पिता के गले में वो उस बकरी जैसा वजन व्यर्थ में लटक रहा है। अपने आत्माओं बहुत विचार करने की बातें हैं, परमात्मा की अमर वाणी है या कोई बालकों का बोला हुआ या डूम बाट के गीत नहीं है, ये परम पिता परमात्मा का अमर ज्ञान है। इस पर हमने बहुत जोर देना पड़ेगा। क्या बताते हैं, राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जामुख नाही नाम। अब जैसे कोई रोगी कोड़ी व्यक्ति है, लंगड़ा लूला अंधा काना, वो भक्ति कर रहा है, वो अपना भविष्य संवार रहा है, और जो सुंदर शरीर है भक्ति कर नहीं रहा, स्वस्थ भी है, वो अपने कर्म फोड़ रहा है, अगले जन्म में या इस जन्म में ना जाने के दुर्गति होगी उसकी, और नेक्स्ट जन्म तो पता नहीं के बिजली गिरेगी, परमात्मा ने बता रखा है। बीबी पड़दे रहे थी ड्योढ़ी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बण कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोर, नक बेसर नक पवणी पर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी ही सुन साहेब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली बौकत फिर भाई टूक न डाले कोई। पुणात्माओं, हमारे ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का बहुत ज़्यादा नशा है, बहुत ज़्यादा दबाव है, और आप जी पुण्यात्मा हो कि आप यहाँ आगे जहाँ इस माया से, माया का जो ये नशा कम होगा, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल टेबलेट्स आपको दी जा रही हैं जिससे आपका ये नशा कम हो जाएगा और आपकी श्रद्धा घड़ी बढ़ेगी भगवान में। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब जैसे जो बहन बेटियां उच्च घरों में अच्छे खानदान मानती हैं, हम तो उच्च घरों की बहू बेटियां हैं, और वो सत्संग में नहीं आती, कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो अच्छी पोस्ट प्राप्त है, जिसको अच्छा कोई कारोबार प्राप्त है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये अपने पिछले पुण्यकर्मों से ही इनको ये सुविधाएं प्राप्त हैं। और जैसे किसान ने पिछले सीजन में गेहूं बीजा था, तो अगले सीजन में तुरंत ही वो कोई धान ज्वार बाजरे की खेती करता है, और उसके तुरंत बाद फिर गेहूं फिर बीजना प्रारंभ कर देता है। यदि किसान ने एक बार में मान लिए 100 मन गेहूं अपने घर रख लिए और नेक्स्ट सीजन में उसने कुछ बोया बीजा नहीं, तो जब तक उसके पिछले सीजन के बोए हुए इकट्ठा किया हुआ अन्न चलेगा तब तक तो उसको कोई आपत्ति नहीं, उसने खाओ और खिंडाओ, बर्बाद करो चाहे किसी तरह करो, और जब वो पिछला अन्न खत्म होगा फिर भूखा मरेगा, मांगता करेगा। और जो समझदार होते हैं किसान, वो तुरंत ही भविष्य की तैयारी कर लेते हैं, तो जो भक्ति रूपी संचित कर्म जिन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनमें से प्रारब्ध में कुछ पुण्य डाल करके, कुछ पाप डाल करके ये जीवन मनुष्य का दिया जाता है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और इस प्रारब्ध कर्म के अंदर जिसके पिछले पुण्य गणे हैं, उनको पुण्य एवरेज में ज़्यादा मिले हुए हैं, उनको सुख ज़्यादा, सुविधा ज़्यादा मिली हुई, तो वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, वो सुख भी जीव के लिए दुश्मन हो जाता है।
और आप पुण्यात्मा हो, बाकी घनी पुण्यात्मा तो वो है जो सुख भी है, फिर भगवान भज रही है, फिर भी परमात्मा के चरणों माने लग गए, अच्छी पोस्ट भी है, घर में सुख भी है, धन भी है, बच्चे भी हैं, सब सेट है, और फिर भी दया होगी भगवान की, उनकी किस्मत का तो कहना है कुछ को नहीं।